वो किसान है, जब जमीन से अनाज उगा सकते हैं तो सीधे में गोली भी खाने के लिए तैयार हमारे सरकार है। फायदा किया था, पूरा नहीं किया तो हम ईंट से ईंट बना देंगे। सरकार अब ऐसा नहीं करती, देश के संविधान की हत्या कर दी। वादा किया था, क्या किया इन लोगों ने? ये निकम्मी सरकार है। महंगाई बढ़ेगी तो हमने देखा लिया क्या महंगाई बढ़ने का। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से एक बड़ी महारैली बुलाकर किसान महापंचायत की गई। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस द्वारा राजधानी में सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त किए गए। महापंचायत के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान शुभकरण सिंह की हत्या और किसान आंदोलन के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की। साथ ही घटना की न्यायिक जांच और जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग करी। मौके पर पहुंचकर जब हमारे संवाददाता निशा लकवाल ने किसानों से बातचीत करी तो देखे उन्होंने क्या मांगे रखी। हम किसान हैं, प्योर किसान हैं, हमारे चेक करा लेना, ये आधार कार्ड करा ले, हमारे जगह का करा ले। मध्य प्रदेश से आया हूँ, भारतीय किसान यूनियन का भोपाल जिले का अध्यक्ष हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ। और इनने जो वायदे किए थे 2014 में, हम आते से जो हमने कर्जा माफ का वादा किया था, क्या किया इन लोगों ने? इनने अभी किया था विधानसभा चुनाव में कि हम आपका पूरा का पूरा ही संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे और C2 फार्मूला देंगे, आपकी फसल का रेट देंगे। इनने वायदा पूरा नहीं किया। 2700 रुपए पर क्विंटल गेहूं का रेट देंगे। अभी मध्यप्रदेश सरकार में हमारे यादव के जो मुख्यमंत्री है उनने 125 रुपए बढ़ाया, ताकि 2700 रुपए का वादा किया था। हम उस मांग के लिए यहाँ तक आए हैं। पूरे भारत का किसान, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, पूरे भारत का किसान एक मुश्त है, वो लड़ाई लड़ेंगे। अगर इस सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, जो वादा किया था इसे पूरा नहीं किया, तो हम ईंट से ईंट बना देंगे। जो अडानी अंबानी का कर्जा माफ किया क्यों किया? और दूसरे कॉर्पोरेट का कर्जा माफ क्यों किया? हम लोगों का कर्जा माफ क्यों नहीं कर रहे? हम क्या दुश्मन है? हमें आतंकवादी क्यों बोलते हैं ये लोग? अभी अभी पूरी फसलें टूट गई, हमारी सोयाबीन हमारी फसलें टूट गई है, फसल के अंदर तुषार में चली गई, हमारे ओले दृष्ट हुए, उसमें इनने अभी हमारा मुआवजा है किसानों का वो नहीं दे रहे। हमारा पुराना पैसा महंगाई बढ़ेगी तो हमने देखा लिया क्या महंगाई बढ़ने का? दुनिया की चीज पे MRP लगा, हमारी जो पे MRP क्यों नहीं है? हमारी हम MRP मांग रहे हैं ना। हम एक दुकानदार के यहाँ जाते हैं, वो हमसे 2000 का माल लेते हैं, क्या MRP से कम कर देता? वो नहीं करता। हम वही MRP मांग रहे हैं। अगर कोई हमसे कहे कि हमारा गेहूँ 3000 रुपए हम दे रहे हैं, हमारी MRP क्यों नहीं? सारी दुनिया की, हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया की चीजों की MRP है, हमारी MSP चाहिए। MSP का वादा किया था, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, तभी मानेगा किसान, नहीं तो नहीं मानेगा। 2023 आ गया लेकिन गेहूं का रेट नहीं बढ़ा। ये निकम्मी सरकार है, जिसको कहते हैं निकम्मी दे रही है ना, क्या दे रही है? 5 किलो गेहूं है, जो बोल रहे 5 किलो गेहूं हम दे रहे, 5 किलो राशन हमारा क्या नहीं चलता? सरकार अब ऐसा नहीं करती, जो हमसे टैक्स लेती है, साबुन से लेके माचिस से लेके हर चीज का टैक्स लेती है, उसी पैसे को हमको वापिस दे रही है। हमारी जूती हमारे सर पे मार रही है, वो निकम्मी सरकार रही है। यानी सन बढ़ गया 2023 और गेहूं का रेट हमारा वही 1400, और बोलते हैं हम किसान नहीं है। सरकार से अच्छा कोई नहीं जानता कौन किसान है कौन नहीं, क्योंकि सबके खाते में 15000 रुपए बोले थे भेजने के लिए, तो किसी ने 2000 तो देते, तो क्यों खुद बता रहे हैं? सारे पूछ राज्य में किसान की तकलीफ है, बाल नहीं है, लालों की परिवार है, लालों की फैमिली नहीं है, उनकी फैमिली नहीं है, योगी और मोदी ना फैमिली है, जो अपने मंत्री के नहीं हुआ, हमारे देश के हमारे किसानों का क्या होंगे? हमारे किसान क्या होंगे? हमारे यूपी के जो भी आदमी है, सुनो, जिसने अपनी बीबी का हक अदा नहीं किया वो हम लोगों के साथ क्या अच्छा करेगा? आप लोगों ने तो सारे में छुट्टी भेजा है, हम लोग कुर्सी में बिठा सकते, तो किराना भी आता है। अभी इसी इलेक्शन में उनको साथ इनकी ईंट की ईंट बजा देंगे, ईंट का जवाब 1500 देना हमको भी आता है। उन्होंने तो घोषणा कर दी, वो घोषणा तो ये भी कहते हैं किसान दिल्ली पहुंचेंगे नहीं, दिल्ली उनकी बाकी है, जहाँ सरकार बैठेगी हम वहाँ पहुँचेंगे। दिल्ली से हमें कोई एलर्जी नहीं है, दिल्ली से हमें कोई तकलीफ नहीं है, सरकार से तकलीफ हम सरकार के लिए। सरकार अगर दिल्ली बैठे या बम्बई बैठे या उत्तर प्रदेश कहीं भी बैठे, हम वही आए हैं और आएंगे।
सकते, अब वो किसान है जब जमीन से अनाज उगा सकते हैं तो सीने में गोली भी खाने के लिए तैयार हूँ, और हम इनका विरोध कर रहे हैं, करते रहेंगे। ये निकम्मी सरकार है। दिल्ली का वीडियो वायरल हुआ, आप मुझे ये बताइए कि जो रोड में नमाज पढ़े कितने देर की नमाज होती है, आधे घंटे की, मुस्लिम के साथ गलत किया गया, वही रामलीला का प्रोग्राम आप लोग सामने देखा, रामलीला का प्रोग्राम चालू था, पुलिस वाले फूल माला से स्वागत करते हैं, फूल माला पहनाया जाता है, तिलक लगाया जाता है, हम उसका विरोध कभी नहीं करते, हम लोग खुद पानी लेके पहुँचते की लीजिए, पानी पीजिए, जाइए। क्या होता है एकता, एकता हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, कितना भी सरकार कर ले हम भाई भाई, हम लोग को तोड़ नहीं सकता, इनके झूठे बहकावे में हम लोग नहीं आने वाले। किसान का भी दिमाग हो गया, पढ़े लिखे किसान है, अनपढ़ जाए किसान नहीं रहेंगे, ये सरकार अपने दिमाग से निकाल दे। कब तक डटे रहोगे ऐसे, जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे, जब तक हम बैठे रहेंगे, सरकार तो सुन नहीं रही है, सुनना पड़ेगा, आप सुनवाओगे, प्रधानमंत्री जी जब खुद को करें कि 400 के पार है तो फिर चुनाव की क्या जरूरत है, रिन्यूअल करा लें, लोकतंत्र और देश के संविधान की हत्या कर दें, जब उनको अपने मुंह से करना है, सब कुछ करना है, सब कुछ करना है, अब पूरा मीडिया उनका फोटो पहले दिखा रही है, पूरा किसी का नहीं दिखा रही, देश में केवल प्रधानमंत्री जी का फोटो दिखा रही है, 400 के पार है तो चुनाव की क्या हो सकता है। चुनाव आयुक्त ने भी अपना इस्तीफा लगा दिया, तमाम ऐसे अभी हरियाणा की सरकार चली गई, 400 के बारे से चुनाव कोई